सांसद प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अध्यक्ष बनने से समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं बुधवार को रामपुर से प्रतिभा सिंह शिमला अपने निजी आवास कॉलेज पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कई विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का आभार जताया और प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने जो उन पर विश्वास जताया है, उस पर भी खरे उतरने की कोशिश करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ लेकर कार्य किया जाएगा। प्रतिभा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है और इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। उपचुनावों में जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारा था, उसी तरह विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। ये जो जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमांड ने मेरे को दी है, वो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा चुनाव का साल है और इस साल के अंत में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर इस चुनाव के मैदान में बीजेपी का सामना करेंगे। ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े नेता थे, उनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना, परंतु उनके बगैर आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा पिछला भी हमने जब उपचुनाव हुए थे तब भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिना उस चुनाव को लड़ा और उसमें विजय हासिल की, उसी तरह से हम इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है उसका भी हम डटकर मुकाबला करेंगे और सब पार्टी के लोग एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे लीडर एकजुट होकर पूरे प्रदेश में सक्रिय होंगे और काम करना शुरू करेंगे और अवश्य ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो हमारे अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी हम एकजुट होकर लोगों के बीच में जाकर वीरभद्र सिंह जी के कामों को लेकर, क्योंकि आज भी लोग ये देखते हैं, जो हम जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने कहा और लोगों ने ये जताया कि वीरभद्र सिंह आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और उनके कामों को वो सदा याद करते हैं। और इन जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के इलेक्शन होंगे, अवश्य लोग उनके कामों को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी का फिर से साथ देंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर विजय बनाकर भेजेंगे। देखिए जी, जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास बड़ा डेंट हिमाचल प्रदेश में कर पाएंगे। जहाँ तक उनकी दिल्ली की सरकार की है और पंजाब में आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाई है, वो पिछले 12 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, तब उन्होंने जो वहाँ हालात पैदा हुए उसमें विजय हासिल की। और मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति है या ऐसे आम आदमी की चर्चा है, चाहे इनके बड़े से बड़े लीडर आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे बलवंत जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो आए, पर भगवंत मान जी, पर मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा असर आम आदमी कर पाएगी। हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से ही रहेगा और हम इस चुनाव को अवश्य इसमें सफलता पाएंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।